जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने अपने स्तर से दुर्गा पूजा के अवसर पर मानव सेवा की एक अनूठी पहल शुरू की है। इसके तहत इनके द्वारा जरूरतमंद परिवारों के बीच नए वस्त्रों का वितरण किया गया, साथ ही तमाम पूजा समितियों से भी अपने इलाके में यह अभियान चलाने की अपील की गई है। महाचतुर्थी के पावन मौके पर इसकी शुरुआत जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने की है। इनके द्वारा पहले चरण में तकरीबन 300 बच्चों को नए वस्त्र प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों के चेहरे पर खुशी नजर आई। समिति के अध्यक्ष अचिंतम गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा के मौके पर चारों ओर खुशी का माहौल है, ऐसे में उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना आवश्यक है जो सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय समिति ने आज से इसकी पहल की है, साथ ही प्रत्येक दुर्गा पूजा कमेटी से आह्वान किया है कि वे भी अपने अपने क्षेत्र में जरूरतमंदों की ऐसी ही सेवा करें ताकि वे भी उत्साह के साथ पूजा का आनंद ले सकें। पूरे शहर के लोग हम लोग खुशी मनाएंगे, बड़ा उत्साह के साथ इस बार पूजा होगा। बड़ी दिन बाद कोरोना के बाद में कोई प्रतिबंध नहीं, आदमी झूम उठा है पूजा के लिए। ऐसा लगता नहीं है कि इस बार रास्ता भी और जगह रहेगा। ऐसे खुशी के दिन में खुशी केवल अमीरों के बीच ना रहे, खुशी जरूरतमंदों के घर तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम अगर हर दुर्गा पूजा पंडाल से 5-5 परिवार को राशन दे दें, 5 लेडीज़ को कपड़ा दे दें, 5 बच्चों को कपड़ा दे दें, तो हमारा खुशी उन 5 परिवार में भी बटेगा। और ऐसा इस शहर में जो 350 के करीब पूजा है, अगर सब कोई करे, कोई 5 कोई 10 जिसका जो क्षमता, तो बड़ी जोर खुशी बढ़ जाएगी उन बस्तियों में भी जहां इस पर्व में एक दिया भी नहीं जलता था। इस उम्मीद के साथ हमने केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की तो ओर से सभी पंडाल को कॉल किए थे और आज शुरुआत हम लोग केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति का बैनर में बालानंद तीर्थाश्रम को साथ लेके, गुरु का कृपा को लेके, साथ में मिशन ह्यूमैनिटी को साथ में लेकर, मानवता मिशन को लेके हम लोग इस काम को शुरुआत कर दिए। आज से शुरुआत हो गया, आज चतुर्थी के दिन है। इस दिन से हमने शुरू किए, शहर के जरूरतमंद लोगों के बीच नया कपड़ा जाए, राशन जाए और खुशी उन लोगों में भी बढ़े, यही उद्देश्य है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।